गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल डीआईवाई विद अभिषी। तो आज हम करने वाले हैं एक और नई पेंटिंग। तो उस पेंटिंग का स्मॉलर वर्जन मैंने बना रखा है, मैं आपको दिखाती हूँ। ये रहा उस पेंटिंग का स्मॉलर वर्जन जो हम बनाने वाले हैं आगे वीडियो में। तो ये पेंटिंग जब मैंने छोटे वाले कैनवस पे जो अभी आप देख रहे हैं मैंने जब बनाई थी और मम्मी को जब मैंने दिखाई थी तो मम्मी को ये पेंटिंग बहुत अच्छी लगी थी और इतनी अच्छी लगी कि मम्मी ने बोला कि मैं इस पेंटिंग को एक बड़े कैनवस पे बनाऊं, एक बहुत बड़े कैनवस पे बनाऊं। तो आज हम बड़े कैनवस बनाने वाले हैं एक पेंटिंग, यही वाली पेंटिंग जो मैंने आपको दिखाई थी। और उसका अपर पार्ट मैंने कम्प्लीट कर लिया है, स्काई वाला पार्ट। इसमें हमको येलो वाइट ऑरेंज एंड ब्लू की शेडिंग देखनी थी, तो जिस तरह से आप देख सकते हैं पहले मैंने यहाँ पे वाइट किया, फिर मैंने यहाँ पे येलो करके उन दोनों को ब्लेंड किया, फिर मैंने ऐसे ऑरेंज किया, ब्लेंड वाइट किया, यहाँ पे छोटा सा वाइट किया मैंने, एक छोटी सी लाइन, और फिर उसको ऑरेंज से ब्लेंड करके फिर ब्लू से भी ब्लेंड कर दिया उसी सेम वाइट को। तो जैसे मैंने ये किया था डिट्टो वैसे ही हम इस पेंटिंग को भी बनाने वाले हैं। देखिए मैंने अपर पोर्शन कम्प्लीट कर लिया है, अभी हमको ये वाटर वाला पार्ट कम्प्लीट करना है। तो अब मैं आपको वाटर वाला पार्ट कंप्लीट करके दिखाऊंगी और इसकी सारी डिटेलिंग करूंगी जो हमने दूसरी वाली पेंटिंग में देखी थी। तो उसके साइड में भी मैंने मास्किंग टेप लगा दिया है, आप देख सकते हैं ये जो थोड़ा सा गैप है ये पूरा यहाँ से मास्किंग टेप है ताकि ये थोड़ा नीट एंड क्लीन दे, जैसे इसमें भी नीट एंड क्लीन ही है। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। और वीडियो शुरू होने से पहले आप मेरे चैनल डीआईवाई विद अभिषी को ज़रूर सब्सक्राइब करना और इस वीडियो और बाकी सारी वीडियोस को भी ज़रूर लाइक एंड शेयर करना। तो चलिए शुरू करते हैं गाइस। वाटर के लिए मैंने यहाँ पे ऑरेंज और येलो का मिक्सचर किया है और वो भी हाफ में, हाफ वाटर में, हाफ थोड़ा सा ज़्यादा 70% ऑरेंज करेंगे और बाकी के नीचे हम रेड करेंगे। अगर आपके पास पहले ही लाइट ऑरेंज है तो आप लाइट ऑरेंज भी यूज़ कर सकते हैं, नहीं है तो येलो मिक्स कर दीजिए। और स्काई के लिए मैंने यहाँ पे वाइट, येलो, ऑरेंज, वाइट एंड ब्लू का यूज़ किया है और इन सबको मिक्स कर दिया है जैसा कि आप देख सकते हैं। तो और वाटर के लिए मैंने यहाँ पे नीचे रेड को भी अच्छे से स्मूथ कर दिया है ऑरेंज के नीचे, आप देख सकते हैं कितना पार्टीशन है। और इसको भी हम जब मैं हमने इसको अच्छे से ब्लेंड कर दिया तो हम इसको अच्छे से दोनों कलर्स को मिक्स कर देंगे एक मॉप ब्रश की मदद से, ड्राई ब्रश की मदद से। और गाइस मॉप ब्रश ब्लेंडिंग के लिए बेस्ट होता है। तो मैंने यहाँ पे अच्छे से इसको ब्लेंड कर दिया है जैसा कि आप देख सकते हैं। और अब हम बनाएंगे सन का रिफ्लेक्शन। तो उसके लिए हमको चाहिए होगा वाइट कलर और थोड़ा सा येलो कलर, येलो ऑकर कलर हमको चाहिए होगा। आप लेमन येलो का यूज़ भी कर सकते हैं। तो एक फ्लैट, छोटे फ्लैट ब्रश में मैंने येलो ऑकर कलर ले लिया है थोड़ा सा और वाटर के बिल्कुल सेंटर में हम लोग अपना रिफ्लेक्शन बनाएंगे। रिफ्लेक्शन के लिए हमको बेसिकली लंबी से थोड़ी छोटी लाइन लेनी है, वो आपके सन पर डिपेंड करता है, जितना बड़ा सन होगा उतनी लंबी लाइन बनेगी फिर छोटी होती जाएंगी। जैसा कि आप मेरा देख सकते हैं मैं अभी इसकी येलो से बना रही हूँ बीच में और थोड़ी थोड़ी साइड में भी बना रही हूँ। मैंने इसको ब्लेंड भी कर दिया है और अब मैं थोड़ा सा वाइट कलर लेके भी इस पर बीच बीच में लगा रही हूँ ताकि वाइट से भी वो शाइन करेगा थोड़ा सा, क्योंकि हमारा सन भी वाइट कलर का है तो हमारा रिफ्लेक्शन भी थोड़ा वाइट और येलोइश कलर का होगा। और येलो को भी मैंने अच्छे से ब्लेंड कर दिया है वही सेम ब्रश लेके जिससे हमने ब्लेंड किया था ऑरेंज को, और मैं थोड़ा सा टैप टैप कर रही हूँ। तो अब मैंने एक बाउल की मदद से सर्कल बना लिया है रिफ्लेक्शन के ठीक ऊपर
और थोड़ा सा स्पेस छोड़ के वाटर के बॉर्डर लाइन से, ताकि हम वहाँ पे माउंटेन बना सकें। तो सन को मैंने एक सर्कल बाउल से बनाया, सर्कल बाउल को ट्रेस करके बनाया है। आप चाहें तो कोई भी राउंड थिंग को लेके उसको उसका ट्रेस कर सकते हैं। और अब मैं एक फ्लैट ब्रश में राउंड वाइट कलर लूँगी और उसको अपने सर्कल में अच्छे से स्लोली स्लोली स्प्रेड कर दूँगी। मैंने अच्छे से स्प्रेड कर दिया है वाइट कलर। तो अब मैं लूँगी बहुत थोड़ा सा येलो कलर। हम पूरे पेंटिंग में सेम ही येलो कलर यूज़ कर रहे हैं, लेकिन अब हम लेंगे बहुत थोड़ा सा येलो कलर और उसको नीचे नीचे थोड़ा सा स्प्रेड कर देंगे अपने सन में ही। हमको थोड़ा ही स्प्रेड करना है, हमको पूरा सन येलो नहीं करना है। जस्ट लाइक हाफ सन येलो एंड हाफ सन वाइट। अभी मैंने अच्छे से ब्लेंड कर दिया है, जैसा कि आप देख सकते हैं। अब हम माउंटेन बनाएंगे, जस्ट लाइक हमने जो छोटी वाली पेंटिंग में बनाया था, जैसा कि आप देख सकते हैं माउंटेन्स। तो माउंटेन्स के लिए मैंने यहाँ पे टेप लगा दिया है, ताकि हमें एक इंस्टेंस मिल जाए तो, और हमारी लाइन जो है वो बिल्कुल स्ट्रेट रहे। मैंने यहाँ पे मास्किंग टेप लगाया है, आप चाहें तो नॉर्मल क्लियर टेप भी यूज़ कर सकते हैं। और मैंने यहाँ पे एक राउंड ब्रश में थोड़ा सा ब्लैक कलर लेके एक अपनी माउंटेन्स बना ली हूँ। माउंटेन जो बन चुके हैं, अब मैं इनको फिल कर दूंगी सेम ब्रश की मदद से। और टेप निकालने के बाद आप देख सकते हैं कितना स्मूथली हमारा जो माउंटेन्स है उनकी लाइन आई है। और अब हमारे जो लास्ट चीज़ बची है वो है हमारी ट्रीज़ बनाना। तो ट्रीज़ बनाने के लिए भी हम सेम ब्रश यूज़ करेंगे। वो आपके कैनवस पर डिपेंड करता है कि आप कितना बड़ा ब्रश ले रहे हैं या आपकी कितनी बड़ी पेंटिंग है। सो गाइज, अब मैं सेम ब्रश में लेके ब्लैक पेंट लूँगी और ट्रीज़ बनाने शुरू कर दूँगी। ट्रीज़ का कोई स्पेसिफिक शेप नहीं है, आप अपने हिसाब से कोई शेप दे सकते हैं अपने ट्री का। ये देखिए गाइज, मैंने ट्री लगभग पूरी कर ली है। अब मुझे इसको फिल करना है। बहुत स्लोली स्लोली हम फिल करेंगे तो हमारी ट्री की शेप है वो ख़राब आ सकती है। ट्री को भी मैंने अच्छे से फिल कर दिया है और ऐसे ही सेम मैं अब दूसरी ट्री भी बना लूँगी। गाइस, मैंने दूसरी ट्री भी बना ली है। तो दूसरी ट्री में भी मैंने पेटल्स बना दिए हैं। मैं आपको पेटल्स दिखा देती हूँ। ये देखिए गाइस, मैंने एक ट्री की पेटल बना दी है और दूसरी ट्री के पेटल्स मैं आपको अभी बनाना बताती हूँ। और नीचे वाला जो वाटर के नीचे वाला ब्रांचेस है हमारी, उनमें हम नहीं करेंगे, उनमें हम ब्लैक कलर से करेंगे लीव्स, जस्ट लाइक अ शैडो। लीव्स बनाने के लिए हम लेंगे ये वाला कलर। ये वाले कलर को बनाने के लिए मैंने येलो ऑकर, इंडियन रेड और बहुत ही थोड़े से ब्राउन का यूज़ किया है। और लीव्स बनाने के लिए हमको 3 to 4 कलर्स चाहिए होंगे। एक तो यही वाला कलर जो हमने अभी बनाया है,
और येलो ऑकर, थोड़ा सा वाइट और ब्लैक। आप ऑरेंज का भी यूज़ कर सकते हैं अगर आपके पास थोड़ा डार्क ऑरेंज हो तो, और इंडियन रेड भी यूज़ कर सकते हैं। तो अब मैं 3 क्यू टिप्स लूँगी और उनको रबर बैंड से सिक्योर कर दूँगी और फिर हमारे कलर में डिप करके उनको ट्रीज के ऊपर टैप टैप कर दूँगी। और हमको बहुत थोड़ा सा कलर लेना है क्यू टिप्स पे, नहीं तो वो एक स्पेसिफिक सर्कल आ जाएगा, हमको वह नहीं चाहिए। लीव्स होती हैं बिल्कुल डिफरेंट डिफरेंट साइजेस एंड शेप्स की, तो हमको वैसा ही रखना है। तो हम डार्क से लाइट कलर तक जाएंगे और वाइट कलर लास्ट होगा। तो सबसे पहला कलर जो हमने मिक्स किया था, मैं वो वाला कलर यूज़ कर रही हूँ। तो मैंने दोनों ट्रीज़ की लीव्स बना दी हैं, वो भी अपर पार्ट की। अब हम बनाएंगे डाउनर पार्ट की, और उसके लिए मैंने सेम क्यू टिप लिया है और उसको ब्लैक कलर में डिप कर दिया है। आप देख सकते हैं। अब हम बनाते नीचे वाली। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था, सेम क्यू टिप को लेके हम ब्लैक कलर में डिप करेंगे और उसको थोड़ा थोड़ा टैप टैप करेंगे, और नीचे वाली ब्रांचेस कम होंगी, ऊपर वाली बहुत ज़्यादा होंगी। और ऊपर वाली जो ब्रांचेस है, हमें उनको मिक्स नहीं करना है, दोनों ट्री स्पेसिफिक अलग अलग दिखने चाहिए। ये देखिए गाइस, कोई स्पेसिफिक शेप नहीं है हमारी ट्रीज की लीव्स का। अब मैं आपको अपनी पेंटिंग दिखा देती हूँ। ये देखिए गाइस, मैंने नीचे भी क्यू टिप से लीव्स बना दी हैं और थोड़ी सी ग्रेवी भी बना दी हैं। और अब मैं इन पे नाम लिखूंगी, टेप लिखूंगी, एंड दिस इज़ आवर फाइनल पेंटिंग।